गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की पूरी अपडेट देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के जो है 16,554 पद खाली हैं। तो एलटी ग्रेड के 10,769 पदों की भर्ती को लेकर हो गया विवाद। प्रवक्ता के 5,308 पद खाली, आयोग को भेजा दियाचन। पूरी खबर जानेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बेहतर करने के दावे, शिक्षकों की कमी के कारण धराशायी होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि 2019-20 शैक्षिक सत्र में स्कूलों को जो है दोबारा खुले एक महीने अधिक का समय बीत चुका है और राजकीय स्कूल, हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बरकरार है। प्रदेश के 2294 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 5,308 और एलटी ग्रेड शिक्षकों के 11,246 कुल 16,554 पद खाली हैं। स्वीकृत पदों की संख्या 26,755 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक विवाद में 10,768 पदों पर भर्ती फंस गई है। वहीं प्रवक्ता के 5,308 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आयोग से अनुरोध किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल और अभिनव विद्यालय की सबसे खराब स्थिति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल भाजपा सरकार ने खोले हैं, जबकि अभिनव विद्यालय पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू किए गए थे। एलटी ग्रेड के 478 पदों पर भर्ती को भेजा पत्र। प्रदेश के 697 बालक और 781 बालिका राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के कुल 11,246 पद रिक्त हैं। 10,768 पद जो है पद पर जो है विवाद में फंसे हुए हैं, जबकि बचे हुए 478 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया। इस संबंध में रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। राजकीय स्कूलों की लगातार उपेक्षा हो रही है। सरकार को चाहिए कि प्रवक्ता के 50% रिक्त पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएं, अन्य पदों पर भी जल्द नियुक्ति हो, जिससे स्कूलों में पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। डॉक्टर रवि भूषण, प्रदेश महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ के। और जैसे ही ये भर्ती जो है कंप्लीट होगी, उसके बाद से नए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। इसका शहर और आसपास के स्कूलों में भर गए शिक्षक। राजकीय स्कूलों के शिक्षकों का तबादला होने के बाद ग्रामीण इलाके के विद्यालयों में शिक्षक नहीं बचे हैं। सरकार ने 20 जून को शिक्षकों का तबादला किया था। इसमें अधिकांश शिक्षक शहर या आसपास के स्कूलों में पहुँच गए। इस कारण ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम रह गई है, जबकि शहर की अपेक्षा बच्चों की संख्या ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में अधिक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की भर्ती तो अभी फंसी हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है उसका निपटारा हो जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद आप लोग की रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी एक महीने के अंदर, पूरी पूरी संभावना है 35 दिन के अंदर लगभग हो जाने की, 35 से 40 दिन में। 40 दिन में आप सबका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप 10 दिन में अगर जो आ जाते हैं रिजल्ट, 10 से 15 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आ जाते हैं, जांच पूरी हो जाती है, तो उसके बाद एक हफ्ते बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग डेट जारी किए जाएंगे। फिर 20 दिनों में जो है हो सकता है सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 40 दिन में पूरी प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो सकती है जो भर्ती फंसी हुई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो जैसे जैसे इतने दिन आपने एक साल पूरे बिताए हैं एग्ज़ाम देने के बाद से, वैसे 10-15 दिन और सही, और अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें।